नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने ग्रो बैग की साइज, किस किस साइज़ की किस ग्रो बैग में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि अच्छे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग दें। तो इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और हम आपको बताते हैं कि ग्रो बैग की साइज़, किस पौधे के लिए कौन सा ग्रो बैग सही होगा कि हम उसमें अच्छी फ्रूटिंग ले सकें। तो दोस्तों, ये ग्रो बैग कुछ हैं, जैसे मैंने ये सेम लगा रखी, ये 12x15 का ग्रो बैग है जिसकी ऊंचाई 15 इंच है और 12 इंच की चौड़ाई है। ये ग्रो बैग आपके टमाटर के पौधे, सेम के पौधे या लुबिया मिर्च लगाने के लिए उपयोगी है। इनमें आप चाहें तो मूली भी लगा सकते हैं, गाजर भी लगा सकते हैं। चूंकि इसकी चौड़ाई कम है तो आप एक ग्रो बैग में कम पौधे ही हार्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, ये एक ग्रो बैग है, इसकी 15x6 की ग्रो बैग है, 15 इंच चौड़ाई है और 6 इंच की ऊंचाई है, जिसमें आप कोई भी साग वाले पौधे, जैसे मैंने इसमें पुदीना लगा रखा है, आप इसमें पालक, धनिया, हरी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप, ये ग्रो बैग है 15x15 इंच का, इन ग्रो बैग्स में आप मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, कोई भी पौधा लगाइए। हाँ, एक ग्रो बैग में एक पौधा ही लगाइए तो आपको इसमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। इसके अलावा आप 15 इंच के गमले में, ग्रो बैग्स में, आप अपने क्रीपर वेजिटेबल्स प्लांट्स भी लगा सकते हैं, पर 15x15 के ग्रो बैग में आपको एक पौधा ही लगाना है जिससे कि उसको ग्रोथ करने का कोई दिक्कत ना हो, उसकी जड़ें पूरी तरह से फैल सकें। तो आप देख सकते हैं इसमें करेले का पौधा लगा हुआ है और ये कितनी अच्छी फैला हुआ है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं ये 12x12 का प्लास्टिक पॉलीथीन ग्रो बैग या इस तरह की ग्रो बैग जो कि 12x12 के ही दोनों हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है, ये थोड़ा कॉस्टली कम पड़ता है। तो आप इन ग्रो बैग्स में टमाटर, बैंगन, मिर्च, मूली या मीठी नीम कुछ भी लगा सकते हैं। फिर तीसरा आता है ग्रो बैग चौथा दोस्तों, 18x18 की साइज़ का। ये काफ़ी बड़े ग्रो बैग्स होते हैं, इनमें आप फ्रूटिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, लौकी, कद्दू, तरोई, नेनुआ, घिया कुछ भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इसमें मिट्टी जो आप भर रहे हो वो रिच न्यूट्रिएंट्स वाली हो, और एक ग्रो बैग में आप दो पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पौधे ना लगाएं। फिर दोस्तों, ये कुछ फ्रूट क्रेट्स हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इनमें भी आप कोई भी वेजिटेबल्स प्लांट लगा सकते हैं, पर एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। फिर ये दोस्तों राउंड शेप में ग्रो बैग है जो कि 18x8 इंच का है, 18 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी ऊंचाई है। इसमें भी आप, मैंने देखिए मूंगफली लगा रखा है, भिंडी लगा रखी है, इनमें भी आप लगा सकते हैं कोई भी साग वाले पौधे जो कि अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि साग वाले पौधों को जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती नहीं हैं, तो इनमें उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। फिर दोस्तों, ये मेरे पास कुछ ग्रो बैग्स पहले से पड़े थे, मैंने मंगा रखे थे। ये 3 फुट चौड़ा, लंबाई इसकी 3 फुट है, 1 फुट चौड़ाई और 1 फुट ऊंचाई है। तो इसमें आप ऐसे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, साग वाले पौधे लगा सकते हैं, या फिर आप हल्दी, अदरक या अरबी, ये सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। फिर राउंड शेप में दोस्तों 24x12 का ये ग्रो बैग है जिसकी चौड़ाई 24 इंच है और ऊंचाई 12 इंच है। इसमें आप भिंडी, हल्दी, अदरक, घिया, कुछ अरबी, कुछ भी लगा सकते हैं। आप इस ग्रो बैग में, एक ग्रो बैग में करीब 7 से 8 भिंडी के पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये ग्रो बैग काफ़ी बड़ा होता है, 24x24 का, जिसमें आप कद्दू, फ्रूटिंग प्लांट्स, कोई भी आम, अमरूद, अनार, कुछ भी लगा सकते हैं जो कि अच्छी ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कद्दू लगाया हुआ है और कद्दू कितना बढ़िया फ्रूट दिया हुआ है। तो और अगर आप दोस्तों इसके अलावा सीमेंटेड पॉट या
इस तरह का मिट्टी का गमला लेना चाहते हैं तो फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए आप कम से कम 18 इंच का गमला लीजिए, या फिर टमाटर आम और टमाटर मिर्च के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आप 12 से 14 इंच का गमला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इन गमलों की जो गमले होते हैं इनकी बेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, तो इसमें मिट्टी कम आती है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे जाते जाते ये पतला होता है। तो दोस्तों प्रेफर कीजिए आप ग्रो बैग, क्योंकि ग्रो बैग वजन भी नहीं डालता है आपके छत पे और उसमें मिट्टी भी ज़्यादा आती है। इसके अलावा दोस्तों आप फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए इस प्रकार के ड्रम भी ले सकते हैं, ये ड्रम भी काफ़ी मिट्टी आती है इसमें, और मैंने एक ड्रम लेके देखिए दो साइज़ में दो बराबर भागों में काट के दो गमले बना लिए, एक में आम एक में अमरूद, आप अमरूद की ग्रोथ देखिए मेरे ड्रम में। तो इस प्रकार आप ड्रम भी यूज कर सकते हैं अपने फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए या फिर वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों ये कुछ ग्रो बैग्स के साइजेस हैं जिनमें आप किस ग्रो बैग में कौन से पौधे लगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने कोशिश की आपको देने की। अगर आपको दोस्तों वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।